तो अभी तक आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर -16/√3 + i को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हेयर एंड टेक 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यह देख सकते हैं कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वह स्टैंडर्ड फॉर्म x + i की फॉर्म में नहीं है। तो हम सबसे पहले इसे x + i की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, जिससे कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। अब हम यहां से सबसे पहले r की वैल्यू फाइंड करते हैं, एंड सिंस r होता है मॉड्यूलस के इक्वल, तो r होगा मॉड ऑफ z के इक्वल, जिसकी वैल्यू हमें 8 के इक्वल मिलेगी। अब हम इसका आर्गुमेंट निकालते हैं। तो हम यहां से देख सकते हैं कि x की वैल्यू है -4√3 एंड y की वैल्यू है 4, तो जो इसका आर्गुमेंट है वह होगा π - tan−4/-4√3, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वह सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें इसका आर्गुमेंट मिलेगा 5π/6। तो अब आप देख सकते हो कि अब हमारे पास r एंड थीटा की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो अब हम गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है आप में से काफी स्टूडेंट्स ने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे मेथड से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया हो, तो उसका सॉल्यूशन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अभी तक आपने इस टॉपिक में जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनकी समरी कुछ इस प्रकार है। इस टॉपिक में हमने सबसे पहले मॉड्यूलस के बारे में पढ़ा था, उसके बाद आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा था। इस टॉपिक के सबसे लास्ट में हमने देखा था कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।